She's an international referee, international player, and Indian coach. I remember कि जिमी भैया ने मुझे स्पेशली बुलाया नीचे और बोला कि भंडारी को एक क्रॉसओवर आता है एंड यू वोंट बिलीव इट, मैंने वो क्रॉसओवर ब्रिज के नीचे खड़े होकर भंडारी ने मुझे सिखाया और मैंने वो सीखा, उस पे अगले दिन प्रैक्टिस किया एंड आई यूज दैट अ लॉट इन द फाइनल। आई प्लीज उनका नाम मत लेना। लॉकडाउन विद लेजेंड्स में आ रही हैं, आप ही बता दीजिए। आई एम कमिंग इन द लॉकडाउन विद लेजेंड्स विद आशीष एंड वॉच दिस स्पेस। How are you, Shiba? कैसे हैं आप? I won't ask you how is your lockdown going. Rather, I would ask you कैसी चल रही है आपकी training lockdown में? Lockdown is just the way as my life is because मैं पहले भी practice घर पे ही करती थी और fitness रहना मुझे रहता ही था fitness में और I don't go a lot outside, घर पर ही ज्यादा रहती हूँ। हाँ, एक चीज है जो मिस कर रही हूँ, ये है कि basketball court पे नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि as I said I drive all my strength from the basketball court. तो वहां नहीं जा पा रही, तो अल्टरनेटिव ये निकाला हुआ है कि आई डू लॉट ऑफ ऑनलाइन सेशन, बास्केटबॉल ट्रेनिंग सेशन। आई हैव अ ग्रुप ऑफ किड्स इन मोहाली, सो आई हैव बीन ट्रेनिंग देम फॉर द पास्ट 4-5 मंथ्स, सो आई डोंट वांटेड देम टू लूज ऑन यू नो बास्केटबॉल फॉर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स जब तक ये रहता है। तो वी हैव बीन ट्रेनिंग वन ऑन वन, ऑनलाइन रहता है, तो उनके थ्रू मुझे थोड़ा बास्केटबॉल का फीलिंग आता रहता है। एंड नाउ आई हैव प्लान्ड, आई हैव अ बैकयार्ड इन माय हाउस, तो मैं वहां बास्केटबॉल का प्रॉपर बोर्ड लगा के, भोला भैया जो राइडो कंपनी वाले हैं उनसे बोर्ड और रिंग लगवा के वो फीलिंग भी अपने पास रखना चाहती हूँ दैट आई हैव बास्केटबॉल एट होम। पहले क्वेश्चन में आपने मिस्टर संदीप भोला की रीडो कंपनी का नाम ले दिया एंड नाउ ही इज गोइंग टू बी द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ दिस सीरीज एंड आई एम गोइंग टू सेंड हिम एन इनवॉइस वेरी सून। ललित, जल्दी से इनवॉइस तैयार किया जाए। सो कमिंग बैक टू माय सेकंड क्वेश्चन, आप इंटरनेशनल प्लेयर थे, फिर आप इंटरनेशनल रेफरी बने, फिर आप कोच बने, तीनों चीजें आपने एक साथ की, लेकिन रेफरी बनने का जो सजेशन था वो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रेफरी बनूंगी, बट देन हरीश सर ने जब इंडिया में टेस्ट होने वाले थे तो बाबू सर ने उनसे बात किया कि यू नो ड्यूरिंग द कैंप्स शी ऑफिशिएट्स वेरी वेल, तो व्हाई डोंट यू एक्चुअली आस्क हर टू गिव दिस टेस्ट। तो फिर मैंने उसके पहले, क्योंकि देर इज नो होते हैं नॉर्म्स होते हैं कि आपको बी पैनल ए पैनल करना होता है, तो एक साल के अंदर अंदर मैंने बी पैनल ए पैनल किया और उसके बाद फिर अपीयर हुई मैं टेस्ट के लिए। तो जब मैंने रेफरी का टेस्ट किया था, आई रिमेम्बर सारे जितने रेफरीज थे, तानु भैया, राजन, ऑल ऑफ देम दे वर वेरी हेल्पफुल कि यू नो शी इज कमिंग फॉर द टेस्ट। उन्होंने मुझे कभी ऑफिशिएटिंग करते हुए देखा नहीं था। तो जब मैंने ऑफिशिएटिंग किया फर्स्ट मैच के अंदर जो आई थिंक कोटलवा आए हुए थे क्वालिफाइंग के लिए, तो उन्होंने जब मैंने किया तो बाद में अतानु भैया ने मुझे ये बोला, कह रहे शिवा तेरे को देख के ऐसे लगता नहीं है, हम लोग को इतने साल हो गए करते हुए और तेरे को देख के ऐसे लग रहा था जैसे कोई मंजा हुआ खिलाड़ी ना ऑफिशिएटिंग कर रहा है। आई वाज लाइक कि भैया मैंने गेम खेला हुआ है तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या हो सकता है, सो दैट इज वन थिंग। बट मेरे सिग्नल्स इतने अच्छे नहीं थे, बट थैंकफुली राजन सर, माइकल सर and then Atanu bhaiya, Raj Patro, all four of them, you know, they really work very hard. मुझे सुबह सुबह उठा के मुझे action सिखाते थे, so it's a great feeling कि I achieved that. But then I did not again, you know, renew my license because I felt my cup of tea was more of coaching. क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं game को वापस कुछ दे सकूं। So Mr. Babu के कहने पे आप international referee भी बन गए। जब आप इंडियन टीम में आए थे उस टाइम पे बड़ा अनसर्टन रहता था टीम्स का बाहर जाना, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, बजट्स, कभी 2 साल में एक बार टीम जा रही है, कभी 4 साल में एक बार जा रही है। तो जब आप टीम में आए थे आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ होगा उस वजह से, और आप जब कोच बने तो मुझे लगता है कि कोचिंग में आपको ज्यादा एक्सपोजर मिला होगा। आई थिंक कोचिंग में ज्यादा मिला है क्योंकि एज द प्लेयर, तो आई रिमेम्बर मैं 92 में जूनियर इंडियन टीम में आ गई थी, लेकिन वो साल टीम नहीं गई। 93 में सीनियर इंडिया कैंप में चले गए, वो साल टीम में नहीं गई। 95 में भी टीम में थी एंड आई वाज प्लेइंग द स्टार्टिंग 5, दैट वाज द ईयर व्हेन आई रीच्ड माय पीक। तो उस साल भी जब मैं 95 में भी टीम में आ गया, लाइक इट वाज श्योर शॉट की टीम जाए, लास्ट मोमेंट पे हमारे सेक्रेटरी जनरल मिठाई का डब्बा देके गए और घंटी मार के कि उन्होंने टीम नहीं जा रही है क्योंकि टीम जापान जाएगी एंड इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री एंड ही गेव सम अदर रीजंस। तो फाइनली 97 में मैंने खेला,
लेकिन अगर मैं अपना एज अ मेंबर ऑफ द टीम देखूं तो 92 से लेके 2009 तक आई वाज कंटीन्यूअसली विद द टीम, पर एक्सपोजर का लेवल क्योंकि मिश्रा जी के टाइम पे टीम ज्यादा बाहर जाती नहीं थी, तो ओनली व्हेन हरीश सर केम, तो 2001 से यू नो 97 से लेकर 92 से लेकर और 2001 तक मेरे पहले 9 साल में सिर्फ एक ही बार इंडिया टीम बाहर गई. तो फाइनली यू कैन जस्ट इमेजिन कि कोई एक्सपोजर ही नहीं था. और फिर जब हरीश सर आए तो 2001 से लेके 2009 तक मैंने 12 बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर लिया. आपका जो कोचिंग का एक्सपीरियंस एक्सपोजर है वो यूएस में बहुत अच्छा है, एंड यूएस इज कंसिडर्ड टू बी द मक्का ऑफ वर्ल्ड बास्केटबॉल, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन यूएस एज ए कोच. डिफरेंट एक्सपीरियंस. पहली बार जब मैं गई थी 2010 में, तब आई थिंक जेडी वॉल्श के थ्रू BFI का टाइप हुआ था और हम वहाँ पर अमेरिकन एजुकेशन स्पोर्ट्स डिप्लोमा के लिए गए थे. और वहाँ पर वी वर वेरी लकी कि हमें वहाँ जॉर्ज सर के साथ काम करने मिला, जो कि ड्रीम टीम जो थी अमेरिका की, माइकल जॉर्डन जिस टीम में थे वो ड्रीम टीम के ही वॉज असिस्टेंट कोच. तो वहाँ पे जाके पहली बार यू नो सिस्टमैटिकली, अफकोर्स इंडिया में कोचिंग जैसे होती है, बाहर से फॉरेन कोचेस भी आए थे. 2009 में बस आई गॉट लकी टू यू नो गॉट 2006 में जो एक फॉरेन कोच आए थे जॉरन लुकिक, उनके साथ काम किया था, बट वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए था. बट जब हम वहां पर गए और वहां पर जाके मैंने देखा, यू नो आई सॉ अ सिस्टम वेयर दे वर टीचिंग अस ऑन द बोर्ड, जो मेरे टाइम में खेलते टाइम में कभी नहीं देखा कि बोर्ड पे आपको कोचिंग की जा रही है. तो थ्योरेटिकल पार्ट तो फॉर 20 years यू नो इन माई करियर आई नेवर सॉ दैट. So that was the first thing I saw as a coach ki, you know, ye ek part hota hai ki aap players ko agar ground pe kuch samajh mein nahi aa raha hai to aap unko theoretically bhi pehle usi cheez ko agar dikhate hain to it's very easy for them to do it on the court, kyunki wo unka mind ko wo cheez pata hota hai ki hum ground pe jaake kya karne wale. Then they showed us practice plans and they he was a defensive coach, so unhone defense ke bare mein bataya. तो वहां से एक नई जर्नी स्टार्ट हुई लर्निंग की. यू नो एज अ प्लेयर तो लर्न कर ही रहे थे, लेकिन एज अ प्लेयर में भी हमें कभी किसी ने थ्योरेटिकली बताया ही नहीं था. तो वो मेरे लिए एक यू नो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वहां पर जाके. और उसके बाद आई थिंक 2010 के बाद आई वेंट 2014, फिर उसके बाद आई वेंट 2015 और 2016 में फाइनली मैंने लैरी टिडवेल को शैडो किया. तो जब मैंने उनको शैडो किया, उनका एक 8 weeks का प्रोग्राम था, आई वाज वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट इनफ यू नो टू शैडो हिम डे एंड नाइट, क्योंकि वो एक ऐसे कोच हैं जो अगर उनके पास कुछ है तो वो पूरा शेयर करते हैं. सो व्हेन आई सॉ दैट यू नो दिस कोच हैज अ सेशन एट 1:30 आफ्टरनून एंड ही गेट्स अप 6 o'clock, मूव्स आउट ऑफ द हाउस बाय 6:30 वी आर इन द ऑफिस, एंड देन फॉर द नेक्स्ट 4 hours ही इज जस्ट प्रिपेयरिंग कि आज मुझे क्या करना है. और मेरे पिछले सेशन में ही इज रिव्यूइंग, then he's also scouting, he's looking at the tapes of the games that they have played 1 year before and how he is going to prepare against those teams. So that those were the things, you know, that opened my eyes to where we lack in India and how we should prepare ourselves when we are preparing our players for the state championship, national championship. Kyunki hum to sirf India team ke sath hi ye kaam karte hain. I've never seen state coaches or district coaches actually thinking about ki ek saal pehle हमने जो मैचेस खोए थे, जिसने हारे थे, क्या वीकनेसेस थी और उनको हमें कैसे यू नो कवर अप करना है. तो ये चीज मैंने ऑफ कोर्स लैरी टिडवेल से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो मैंने उनसे सीखा. आपकी बातों से लग रहा है कितना इंटरेस्टिंग और कितना एक्साइटिंग रहा होगा आपके लिए, बिकॉज बास्केटबॉल इज योर पैशन और उसमें नई नई चीजें सीखना, वो भी दुनिया के टॉप कोचेस के साथ रहकर, आई कैन इमेजिन कि एक ड्रीम कम ट्रू हो जाता है. तो एक और चीज थी कि आपको जस्ट बिकॉज ऑफ योर क्रेडेंशियल्स, आपके अचीवमेंट्स की वजह से आपको एक स्कॉलरशिप भी मिला था वहां पर, उसके बारे में थोड़ा बताएं. 2015 में आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरे को सॉलिडैरिटी स्कॉलरशिप मिली थी, तो मैं यूएस में गई थी डेलावेयर यूनिवर्सिटी में, एंड दिस सॉलिडैरिटी स्कॉलरशिप के अंदर जो आईओसी थे, then it was organized by IOC, Delaware University and US Olympic Association. So three of them had come forward for this course. So isme kya hota hai ki world ke jo best candidates hote hain from different countries, they are called over there, and then hame wahan par jo top most ke jo wo hote hain na professors, unke sath hame kaam karne ko milta hai. So they explained us about topics, biomechanics and then force generate karna, all those things in a very simplest manner. तो
जो एक अच्छी चीज ये हुई कि 2015 तक ऑफकोर्स आई वॉज लर्निंग, लेकिन अब उन्होंने मुझे बोला कि आपको अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो यू नो मैंने फिर एक पायलट प्रोग्राम ग्रास रूट बास्केटबॉल के लिए तैयार किया। तो वहां पर मैं डिफरेंट कोचेस जो इंडिया के हैं उनके साथ कनेक्ट हुई दिल्ली में, और मैंने एक पायलट प्रोग्राम बनाया। और वहां पे मुझे समझ में आने लगा कि बास्केटबॉल को अगर चेंज करना है तो वो टॉप लेवल पे नहीं होगी, वो नीचे ग्रास रूट लेवल पर जब तक वो काम नहीं होगा जो हम चाह रहे हैं, चेंजेस नहीं आएंगे तब तक टॉप में वो चेंजेस नहीं आ सकते। सो वो 2015 का वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग इन अकेडमीज एज वेल, और मैं छोटे बच्चों के साथ काफी काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि जब आप एक सीखे सिखाए प्लेयर को बोलो ना कि बेटा ये पर्टिकुलर मूवमेंट जो आप जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो, ये नहीं हो पा रहा है, बिकॉज इट इज बिकम अ हैबिट फॉर यू, तो बड़ा मुश्किल होता है वो तोड़ना। ये वही कोर्स था जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था बड़ी मेहनत से आपके लिए, और थोड़ा क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए, थोड़ी तारीफ मेरी भी कर दो। यस आशीष, यू वर देयर, यू मेड दैट वीडियो, एंड वो जो पायलट प्रोग्राम था उसमें आपका एक बहुत बड़ा हाथ था, आपने जो वो वीडियो बनाया, और जब मैंने उसको वहां पर लॉजन में प्रेजेंट किया, दिखाया वहां पे कि यू नो दिस इज हाउ वी हैव डन इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नो जो वीडियो की एक आई वुड से कि यू नो विजिबिलिटी थी, उसकी वजह से उन लोगों को ये विश्वास हुआ कि दैट आई रियली वांट टू वर्क एट द ग्रास रूट लेवल एंड आई एम कीन ऑन हेल्पिंग इंडियन बास्केटबॉल, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स, मुझे ऑनर्स की डिग्री दिया गया, विच वॉज यू नो अलीस्ट थिंक, यू नो आप जिन कोचेस के साथ आप काम कर रहे हो वहां पर, और भी जो अलग अलग कंट्रीज से आए, दे आर द टॉप मोस्ट कंट्रीज, एंड यू नो यू आर समवेयर डाउन द लेन, तो अमंग देम इफ यू गेट अ ऑनर्स का डिग्री, इट्स अ आई थिंक इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग, I was shocked and very surprised. It's really a big achievement कि आप US में scholarship लेके जा रहे हो and वहाँ पर top coaches के साथ काम करना, it's huge. So आप basically आप हरियाणा से हैं, आपने Western Railway join किया, उसके बाद आप दिल्ली में आए, आप दिल्ली से खेले, तो ये खेल की शुरुआत आपकी जिंदगी में कैसे हुई? Sports में आप, basketball में आप आए कैसे? स्पोर्ट्स में आने की वजह तो शुरू से आई वुड से कि छोटे बच्चे थे तब से हमारे घर में ना हमको धक्का ही दिया जाता था कि उठो और खेलो, क्योंकि मेरे ताया जी जो थे वो शॉटपुट में कंबाइंड यूनिवर्सिटीज में ही वाज द गोल्ड मेडलिस्ट, उनका रिकॉर्ड है, एंड देन माय डैड इज अ क्रिकेटर, तो इनको हमेशा से शौक होता था कि बच्चे कोई गेम खेले, बट बास्केटबॉल आई वुड से वाज यू नो बाय लक, क्योंकि मेरी कजन थी, शी यूज्ड टू स्टडी इन द कॉन्वेंट स्कूल, तो वो जब स्कूल में गई तो वहां से मैचेस खेलने के लिए शी हैड टू गो टू द करनाल स्टेडियम, तो वो ना बड़ी डरपोक किस्म की होती थी, तो वो बोली कि मुझे ग्राउंड पे लेने के लिए आना, नाउ इमेजिन आई गो देयर टू डेज, मैं उनको देखती हूँ कि ये खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तीसरे दिन मैंने बोला मैं नहीं लेने आऊंगी, मैं बाहर खड़े खड़े बोर हो जाती हूँ, सो माई सिस्टर हैड टू गो एंड पिक हर अप, एंड माई सिस्टर हाइट वॉज 6'1", तो उसको देखते ही वो स्टेडियम के जितने कोचेस थे वो खड़े हो गए और उसको पकड़ लिया बास्केटबॉल सिखाने के लिए। अब उनके थ्रू मेरे को ड्रैग करना स्टार्ट कर दिया गया एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग। सो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपके घर पे लोग खेलते थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, माहौल था स्पोर्ट्स का, और उन्होंने आपको किसी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ना डाल के आपको बास्केटबॉल में डाला, एक ऐसा स्पोर्ट जिसमें हरियाणा कहीं स्टैंड ही नहीं करता था, और हरियाणा जाना जाता है आज भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए, रेसलिंग के लिए, बॉक्सिंग के लिए, एथलेटिक्स के लिए, तो आपने बास्केटबॉल चुना, ये तो एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प चीज है, और मैं समझता हूँ बहुत ही ज्यादा दिलेरी चाहिए उस समय में बास्केटबॉल खेलना समवन फ्रॉम हरियाणा। बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन हरियाणा के लिए उन दिनों में हमने रूरल नेशनल में गोल्ड मेडल लिया था, वी गॉट गोल्ड मेडल फॉर हरियाणा, एंड देन आफ्टर दैट बट यू नो आई डिडंट प्ले अ की रोल इन दैट, क्योंकि की रोल वाले तो सीनियर प्लेयर्स थे, आई वाज स्टिल यू नो समवन हु वाज बीइंग टैग्ड अलोंग एंड ड्रैग्ड अलोंग, हु वाज नॉट इंटरेस्टेड, उसका तो ज्यादा रोल रहेगा नहीं, तो फाइनली फिर आई थिंक माई सिस्टर पास्ड अवे, एंड उनके जाने के बाद एक बास्केटबॉल में जर्नी स्टार्ट हुआ, क्योंकि आई वॉन्टेड माई पेरेंट्स टू स्माइल अगेन एंड ओवरकम दैट पेन ऑफ लूजिंग अ चाइल्ड, सो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बास्केटबॉल का सपना पूरा करती हूँ, जो मेरे फादर ने बोला कि यू नो यू हैव टू अकम्पलिश योर ड्रीम, मुझे ऐसा लगा कि दिस वुड एक्चुअली हेल्प देम कि यू नो टू ओवरकम दैट पेन अ लिटिल बिट, और वहीं से आई वेंट टू द साई हॉस्टल चंडीगढ़, 5 साल मैंने बास्केटबॉल वहां पर खेला, एंड देयर मिस्टर मदन वाज माय कोच, एंड उनका एक आदत था यू नो ही यूज्ड टू रिपीट द फंडामेंटल्स अ लॉट,
उनकी वजह से मेरे फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग हो गए और विद इन सिक्स मंथ्स ही, क्योंकि मैं उठती 3:45 थी मॉर्निंग में, एक जिद, जैसे आप जिद्दी हो जाते हो कि नहीं मुझे अब ये सपना पूरा करना ही करना है, तो मैं 3:45 मॉर्निंग में उठ जाती थी और खेलने के लिए प्रैक्टिस के लिए जाते थे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करती थी, शाम में भी 3:30 ग्राउंड पे चले जाती थी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दोज एक्स्ट्रा आवर्स आई थिंक आई मेड इट टू द जूनियर इंडियन दिस थिंग कैंप इन द मे 1992, अक्टूबर 91 में स्टार्ट किया था और मे 92 में मेरा नाम आ गया था. 5 years आई प्लेड फॉर चंडीगढ़ एंड इट वॉज अ गोल्डन पीरियड, क्योंकि चंडीगढ़ का कहीं पे भी नाम नहीं था, कोई जानता नहीं था चंडीगढ़ की टीम को, और ऑल ऑफ द सडन हमारा यूथ में गोल्ड, जूनियर में गोल्ड, फेडरेशन में ब्रॉन्ज, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज, नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज, फिर जूनियर में ब्रॉन्ज, जूनियर में सिल्वर, तो यू नो एक सीनियर नेशनल का मेडल ही रह गया था वहां पर, बाकी सब मेडल्स हमने 5 साल में अचीव कर लिए. सो इंडियन रेलवे आपका पहला जॉब था, किसने सजेस्ट किया, किसने मोटिवेट किया, ये किसने किडनैप किया इस जॉब के लिए? अजमेर सर वॉन्टेड मी टू ज्वाइन रेलवेज, तो फिर मेरे घर की कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस भी ठीक नहीं थी, तो आई ऑप्टेड टू ज्वाइन रेलवेज. तो मैं फिर वेस्टर्न रेलवे में चली गई, वहां पर मैंने 6 years खेला रेलवेज के लिए और वेस्टर्न के लिए, एंड देन फ्रॉम देयर आई केम दिल्ली. दिल्ली का टीम फॉर्म हो रहा था और मेरे भी लाइफ में कुछ पर्सनल उथल पथल था, तो आई केम हियर और फिर यहाँ पर जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ के लिए खेला. तो इट इज यू नो डिफरेंट फेजेस ऑफ बास्केटबॉल आई वुड से. लेजेंडरी अजमेर सिंह जी, सो आपके करियर में आपने कितने नेशनल्स खेले, कितने टाइटल्स जीते, उसके बारे में थोड़ा बताएं. 20 सीनियर नेशनल्स एंड आई हैव वन 15, लाइक 7 गोल्ड एंड 8 सिल्वर मेडल्स इन द सीनियर नेशनल. आई प्लेड 4 जूनियर नेशनल्स, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज एंड 1 पार्टिसिपेशन फॉर हरियाणा, एंड आई प्लेड 1 यूथ नेशनल एंड अ गोल्ड इन दैट. आई प्लेड 8-9 फेडरेशन कप्स फॉर वेस्टर्न, for Chandigarh, for Delhi. So I have 4 gold and Indian Railways, of course, 4 golds, 4 silvers, no, 3 silvers and I think 4 bronze. It's 11 medal. Then national games I played 4 I played, and for Chandigarh of course 2 participation, and then for Delhi I've got bronze medal, and then for Delhi I have 2 bronze, no 1 bronze. Extra bronze किसके लिए? One for Chandigarh in Pune National Games, and All India Universities I played, and then I played pre-Asian Games, 1 gold, 1 silver, 1 bronze, and I played North Zone, 4 North Zone, 5 North Zone, 3 gold, 2 silver. बस और मेरे माइंड में इतना है नहीं, अगर कोई रह गया हो तो. तो सीधे सीधे मेरी समझ में ये आया कि मिनी नेशनल से लेके सीनियर इंडियन टीम तक आपने सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, यूनिवर्सिटी खेला है, स्कूल खेला है, मिनी नेशनल्स खेला है और एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स सब आपने खेला है. सिर्फ एक एशियन गेम्स का मेडल और एक ओलंपिक मेडल रह गया, बाकी यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग. इतने नेशनल्स आपने खेले, सबसे यादगार, सबसे अच्छा नेशनल्स जिसकी मेमोरीज आज भी आपको आपको आपके जहन में है, वो कौन सा नेशनल था? I think senior national, when I was in the transition, I left railways and I joined Delhi. So this was the year Delhi ki team form hui thi, aur railways to as always everybody knows is a cream team. So mera senior national, of course, us samay mere life mein personally bhi kuch chal raha tha, mere brother ka kuch problem tha. So because of that, main mentally bhi bahut disturbed rehti thi. बट ग्राउंड पे जाके ना जैसे आप सब भूल जाते हो. मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि इफ आई हैव एनी प्रॉब्लम इन माय पर्सनल लाइफ एंड आई गो टू बास्केटबॉल कोर्ट, मेरे को वो सब भूल जाता है एंड आई बिकम मोर स्ट्रॉन्गर. सो व्हेन आई वेंट फॉर द सीनियर नेशनल हैदराबाद, वहां जाके मुझे हो गई फूड पॉइजनिंग. तो आई प्लेड 2 गेम्स और 3rd गेम में मैं हॉस्पिटल में हूँ, और मेरी टीम जो है वो 3 मैचेस खेले थे, दे प्लेड 2 पूल का मैच एंड 1 क्वार्टर फाइनल. तो मैंने 3 मैचेस मिस किए, क्वार्टर में मैं वापस आ गई थी, बट आई वाज सिटिंग आउटसाइड. मेरे को उस टाइम आई रिमेम्बर 5 या 6 ग्लूकोज की बोतलें चढ़ी थी, और फिर उसके बाद आई प्लेड स्ट्रेट अवे सेमीफाइनल, और फिर उसके बाद आई प्लेड फाइनल. सो एवरीबडी थॉट कि यू नो बड़ी वीक हो चुकी है, और उस समय मुझे आई रिमेम्बर कि जिमी भैया ने मुझे स्पेशली बुलाया नीचे और बोला कि भंडारी को एक क्रॉस ओवर आता है, दे ऑल वॉन्टेड कि रेलवे जो है ना वो किसी तरीके से डिफीट हो जाए. तो ये सेट कि भंडारी को एक क्रॉसओवर आता है, आई वांट यू टू लर्न दैट और वो तुझे काफी हेल्प करेगा.
एंड यू वोंट बिलीव इट, मैंने वो क्रॉसओवर ब्रिज के नीचे खड़े होकर भंडारी ने मुझे सिखाया और मैंने वो सीखा, उस पे अगले दिन प्रैक्टिस किया एंड आई यूज दैट अलॉट इन द फाइनल. एंड हमारा रेलवे से जब मैच स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट 2-3 मिनट्स, आई थिंक 5-6 मिनट्स दे वर लीडिंग, और उसके बाद हमारी लीड आने लग गई. और यू नो, मैं थोड़ी देर बाद घड़ी देख रही, अब अभी ऊपर रेलवे चला जाएगा, अभी चला जाएगा. मन में ऐसा था नहीं कि रेलवे, यू नो, रेलवे हारेगा. देन द लास्ट क्वार्टर केम ना, वी वर लीडिंग बाय 9 पॉइंट्स. तो तभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ कि नहीं, यू नो, एज अ टीम वी कैन विन अगेंस्ट देम. और फिर उसके बाद से आई थिंक लास्ट क्वार्टर में आई स्कोर लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड वी वन अगेंस्ट देम. 14 साल के बाद हमने रेलवे को 14 पॉइंट्स से हराया था फाइनल. दे लॉस्ट टू अस बाय 14 पॉइंट्स. और उस पर्टिकुलर मैच में, यू नो, शाही सर के पास मैंने इंडियन रेलवे इतना खेला, मैं हमेशा उनके, ही इज लाइक अ फादर फिगर फॉर मी. तो उनको, यू नो, ही इज चेंजिंग मैन. पहले आई रिमेम्बर मुझे शांति ने डिफेंस किया, देन अंजू ने डिफेंस किया, देन मनीषा ने डिफेंस किया, देन उनके जो टॉल प्लेयर है, एक एक करके उनके 10-11 प्लेयर जितने भी थे सब मुझे गार्ड कर रहे थे. एंड आई स्कोर्ड अराउंड 38 पॉइंट्स इन दैट मैच. And that is very close to my heart because, you know, that was a transition of my personal life as well. और मैं रेलवे छोड़कर अभी बाहर निकली थी और निकलते ही, you know, one of the best team you get to defeat them. So I have very fond memories of that particular national. जब आपने वेस्टर्न रेलवे ज्वाइन किया होगा तो आपसे जूनियर प्लेयर्स होंगे, आपसे सीनियर प्लेयर भी होंगे, आप नए भी थे उस टाइम टीम में. तो उसके बाद जब आप दिल्ली में आए तो you were having lot of responsibilities on your shoulder because आप सबसे ज्यादा सीनियर थे और वो टीम जो थी वो आपके इर्द गिर्द रोटेट कर रही थी बिकॉज सारे जूनियर प्लेयर्स थे आपसे. सो वॉज दैट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वॉज दैट टफ फॉर यू, क्या था आपके जहन में उस समय? नो, आई नेवर फील प्रेशर. आई डोंट नो कि प्रेशर क्या होता है. ऑनेस्टली आई नेवर फेल्ट दैट फीलिंग व्हेन आई गो टू द बास्केटबॉल कोर्ट. मुझे सिर्फ एक ही चीज होता है, इफ आई गेट अ बॉल आई एम वेरी हैप्पी, इफ आई हैव बॉल इन माय हैंड एंड आई एम प्लेइंग, दैट इज द ओनली, you know, feeling that I always have in my mind. तो बस ये था कि फाइनल खेल रहे हैं. हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात थी कि दिल्ली टीम पहली बार फॉर्म हुई है एंड ये रीच द फाइनल्स. सो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, यू नो, द प्रेशर स्टार्ट्स बिल्डिंग अपॉन यू व्हेन यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग थिंग्स. तो वो एक्सपेक्टेशन हमारे पास थी नहीं एंड दैट एक्सपेक्टेशन केम इन द लास्ट क्वार्टर एंड दैट वॉज ऑल्सो बिकॉज व्हेन वी वर लीडिंग. तो वो प्रेशर बिल्ड हो नहीं पाया. एंड यस, रेलवे के साथ जब आप खेल रहे होते हो तो आपके दिमाग पे तो कभी कोई प्रेशर होता नहीं. तो मे बी, यू नो, दैट वॉज ऑल्सो देयर कि मैं एक ऐसी टीम के साथ खेल कर आई थी जहां पर कभी प्रेशर फील ही नहीं हुआ. तो मे बी दैट थिंग वॉज ऑल्सो देयर इन द माइंड एंड द एनर्जी ऑफ द यंगस्टर्स. इफ आई रिमेम्बर, मेरे साथ में जो एक मेन, आई वुड से कि मुझे ऐसा लगा कि साथ में जो धक्का लगा रहा है टीम को, जो पुश कर रही है, दैट वॉज दिव्या सिंह. वो भी टाइमली जब मेरे को ऊपर ज्यादा प्रेशर हो जाता था, दब जाता था, so she was scoring equally. I think she scored around 14 points, which was good enough, you know, for the team to go ahead. Aur Rolin ne score kiya thoda sa, Raji ne score kiya, and we had a tall player Rameshwari jo Orissa se thi, wo bhi CISF mein Delhi mein thi, to wo bhi hamare liye khel rahi thi. तो कई बार ऐसा होता है कि जब एकदम से नई टीम होती है ना, तो और सामने वाली टीम जो रेलवे है, कई बार जैसे उनको लगता है कि यार हम हरा देंगे, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में उनके लिए काफी कुछ हो जाता है. तो बाय द टाइम दे रियलाइज कि मैच हाथ से निकल रहा है, तब तक काफी देर हो चुकी थी.